अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर फोर और आज हम कवर करेंगे फर्स्ट आर्टिकल इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं विच इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वर्क की डेफिनेशन है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी फोर्स ही की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे देन स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन स्टूडेंट्स हम लिखते हैं वेन अ फोर्स Acts on a body and it covers some displacement in the direction of force. Then the product of force and displacement. ज कॉल्ड वर्क डन तो स्टूडेंट्स वर्क को डिफाइन करने के बाद अब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स वर्क डन को हम लिखेंगे W विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ इज द फोर्स एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट। हम वर्क को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डन जैसा कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर टू में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि वर्क डन एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी है इज़ द और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स हम वही फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहे हैं अगर डोट को रिमूव करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एफ डी कोज थीटा नाउ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी हैव अ ट्रॉली जिसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है और इस फोर्स एफ की वजह से ट्रॉली टू राइट मूव करेगी और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी जिसकी वैल्यू है डी नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम अलग से रिप्रेजेंट करें दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और हम अज्यूम करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वैल्यू है थीटा नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फोर्स ना तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर तो हम क्या करेंगे फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे नाउ स्टूडेंट्स थीटा के ऑपोजिट कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट और स्टूडेंट्स ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा विच इज एफ थीटा नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है तो आप कहेंगे सर एफ कोज थीटा तो स्टूडेंट्स हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है एफ कोस थीटा तो हम लिखेंगे कि के इस केस में वर्क W किसके इक्वल आएगा F कोज थीटा विच इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स फाइनली वर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा एफ डी कोज थीटा तो स्टूडेंट्स यहां से आपका यह डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि वर्क स्केलर और डोव प्रोडक्ट ही क्यों है या फिर वर्क के फॉर्मूला में कोस थीटा ही क्यों आता है तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला किसके इक्वल आया एफ डी थीटा के इक्वल नाउ स्टूडेंट्स वर्क को डिफाइन करने के बाद अब अगर हम वर्क के यूनिट को देखें तो वर्क का यूनिट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स वर्क को हमने डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स का यूनिट है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल इसको हम जाउल भी रीड करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपसे वन जूल या वन जाऊल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर वन न्यूटन की फोर्स लगे और उस वन न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी ने कितना वर्क किया है वन जूल के इक्वल नाउ स्टूडेंट्स अगर नेचर की बात की जाए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो हम लिखेंगे वर्क इज स्केलर क्वांटिटी नाउ स्टूडेंट्स अब हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन स्पेशल केसेस में वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट केस की बात की जाए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देर इज अ पर्सन जो के एक दीवार को पुश कर रहा है जिस तरह अगर मैं आपके सामने इस लाइट बोर्ड को पुश करूं इसी तरह एक आदमी दीवार के ऊपर सर्टेन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस केस तो स्टूडेंट्स सोचिएगा कि इस केस में फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन टेन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन या फिफ्टी न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है उस दीवार के ऊपर तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स सोचिएगा स्टूडेंट्स इस केस में वर्क डन की वैल्यू होगी जीरो जूल वाइस स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इस केस में वर्क डन जीरो क्यों है तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं के इस केस में चाहे वो आदमी उस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन इस केस में उस फोर्स की वजह से पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है जीरो क्योंकि उस फोर्स की वजह से दीवार मूव नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होने की वजह से जब हम इस फॉर्मूला में डी की वैल्यू पु, जीरो पुट करेंगे तो डन की वैल्यू क्या आएगी जीरो तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फोर्स अगर हम चाहे जितनी मर्जी अप्लाई करें अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी जीरो नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पेल ऑफ वाटर हमारे पास एक पानी की बाल्टी है फॉर एग्जाम्पल मैंने उस बाल्टी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है और वे फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ उसको होल्ड करने के साथ साथ टूवर्ड्स राइट right या फिर लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बाल्टी के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड और अगर हम इस बाल्टी को टूवर्ड्स राइट विद वी मूव करवा रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी तो स्टूडेंट्स सोचिएगा कि इस केस में वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी तो स्टूडेंट्स इस केस में भी वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी क्यों देखते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन की वैल्यू किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है तो आप कहेंगे सर वर्क की वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करती है वर्क की वैल्यू फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाले डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स एंगल थीटा विच इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगल थीटा पे भी डिपेंड करती है तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या होगी तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में हम इस बाल्टी को या पेल को मूव करवाएंगे विद वेलोसिटी वी उसी डायरेक्शन में इस बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्टूडेंट्स अगर हम बाल्टी को टू वार्ड राइट मूव करवा रहे हैं विद विलोसिटी वी तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड तो स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस स्पेशल केस तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 90 डिग्री तो इसका मतलब है फोर्स चाहे जितनी मर्जी अप्लाई की जाए उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कोज 90 किसके इक्वल आता है जीरो के इक्वल तो फाइनली वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह वर्क डन की वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलावा एंगल थीटा पे भी डिपेंड करती है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में होगा तो स्टूडेंट्स इस केस में भी वर्क डन की वैल्यू क्या आई जीरो के इक्वल नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों स्पेशल केसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर थ्री में वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया था इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ की मदद से हम कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मौजूद है और स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ग्राफ की शेप है एक रेक्टेंगल तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ तो स्टूडेंट्स अगर हम लेंथ की वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर करें विच इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय और विथ की वैल्यू को अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करें विच इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है वर्क डन के इक्वल तो स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया है वो किसके इक्वल आता है वर्क डन के इक्वल तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन हो उस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल आएगा वर्क डन के इक्वल नाउ स्टूडेंट्स अगर हम आज के टॉपिक की समरी को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने वर्क डन को डिफाइन किया फिर हमने ये देखा कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी वर्क डन का यूनिट क्या था न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वर्क डन की टाइप्स को डिस्कस करें कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन जीरो कब होगा तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो स्टूडेंट्स इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो तो इस केस में स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव और स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू जीरो कब होगी तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है मींस दैट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में स्टूडेंट्स वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी जीरो तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन जीरो कब होगा तो आपने देखा व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ द एंगल थीटा इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री